जिंदगी बातें और टाइम हो रहा है 6:31, टाइम हो रहा है 6:31 और मैं अम्मी को रात के कह के सोई कि अम्मी जी अम्मा बस गोल बात चलेंगे, मतलब सुबह पार्क करेंगे, नाश्ता वगैरह करके मॉर्निंग वॉक में जाएंगे, सैर भी कराएंगे। और मैंने ये अम्मी आके वो वाइपर पड़ा हुआ, अम्मी ये वाइपर लेके आई है, अम्मी ने आके वाइपर चिंगा घुट सब मारा, सब कहते तू जाना ही मिलना। अम्मी नीचे जाके तासु लो आपके मैं 6:30 बजे मम्मी ने इतना कुटा है पर टा टा मारे हैं, 6:30 हुए हैं, 11:12 कहाँ से हो गए। जाना है चढ़ना नहीं जाना आपकी मर्जी। एक तो वाइपर से भी मुझे मारा पर से तरले भी मैं ही कर रही हूँ, वाह चले चले। वाली हमारी निकल पड़ी है पुठे पास पार्क, वो जो पार्क है वो वाली साइड पे, आप हम ये वाली साइड पे देख जा रही है, क्या चक्कर है। बस टैलेंट ही बड़ा है अम्मी के पास, कभी अम्मी ने गुरूर नहीं किया है ना अम्मी, बस अम्मी के पास टैलेंट ही बड़ा है, कभी गुरूर किया आपने। टाइम है सुबह 6 का और हर गली में एकदम ऐसे सन्नाटा छाया हुआ है और मुझे इतनी नींद आ रही है, लेकिन जैसे ही आंखें बंद होने लगती है वैसे अम्मी के वापर याद आ जाते हैं, फिर आंखें ऐसे करके खुल जाती हैं। पर इस टाइम ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, पीछे से एक बुलेट वाली गाड़ी और एक रिक्शे वाला है, तो जाना होगा कहीं पर। यहाँ पे इन ड्राइव भी खड़ी है, इन ड्राइव करा लेंगे, चलते हैं छेती पहुँच जाएंगे। इंद्रा बारे में सुनते होने में। चलो जी, अम्मी ने मेरी जो जरा सी होप थी ना घर जाने की, वो भी मकाती है कि इंद्रा वाले सुते होने में। अम्मी इंद्रा वाले का ख्याल है तो मैं जेड़े वेपर मारे ने वो नहीं ख्याल है ना। हाँ इंद्रा ऐसे तो आप रोज इंद्रा पे ही जाती है सब्जी लेने। आयशा का फोन आया था, मैं वो बिस्ती कर रही थी, कहती अगू तू मेरा मोबाइल नहीं पढ़ना, अगू तू मेरे मोबाइल मैनेज नहीं करना, मेरा मोबाइल मैनेज नहीं करना, मेरा मोबाइल मोबाइल के रोने रो रही है। और इसने घर घर लेटे क्या करना था खुद, मेरे को चलो मेरी वजह से इसको कंटेंट मिल गया, कितनी खुद गर्व है, शुक्रिया भी नहीं अदा कर। सैर करावा और गली के एक कोने से लेके अम्मी मुझे गली के दूसरे कोने में वापस लेके जाने लगी है। और अभी तक ये हलवा पूरी ली है जिसमें से कहती है एक तेरी प्यो दी, एक मेरी तो एक परी दी। बस मैं एक तो इतना चली हूँ, ऊपर से रात को अम्मी को इतना लताड़ा है, लताड़ा तो मैं वैसे रोज हूँ, लताड़ती हूँ ना, लताड़ती हूँ ना। अच्छा है नहीं लताड़ती अम्मी, मैं लताड़ती हूँ ना वैसे, रात में उसके अलावा मैं आपको कभी नहीं दबाया, कभी भी नहीं दबाया। वाह वाह, मतलब वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, सब बदल गया, उड़ गया। और यहाँ से गली का दूसरा कोना शुरू होने वाला है, पीछे दही वाली चार दुकानें खुल रही हैं, लेकिन अम्मी का बहाना सुना मेरी दही से दुकान चले रहा है तो चला के रहा है नहीं दही। अब ये दही की जगह आपको मेरे पे तरस आया था, रहम आया था, तो आप मुझे कुछ और भी ले देती। मुझे आप सरप्राइज के सरप्राइज मिल रहे हैं, अम्मी ने कहा मैं कुछ नहीं लेके देना, अम्मी ने हलवा पूरी ले ली, अम्मी ने कहा मैं दूध नहीं ले रहा मैं सिर्फ दही ले रहा, अम्मी ने दूध के दही के साथ साथ दूध भी ले लिया। और मैंने अम्मी से क्या मांगा था, सिर्फ एक की जगह दो हलवा पूरियाँ, जिसपे अम्मी ने कहा एक तेरी एक तेरे प्यो दी एक परी थी।
हाँ मी वाह चंदर अंदर सर पुत्र वापस आए वहां से घर का रास्ता बिल्कुल आसान है मी। खाना तो कुछ है नहीं तोर तोर हलकान करता है। यू आर वेरी चलाक ब्रो अगे तो सीखिया ने अनिशिया नहीं तो मुका दिया। अच्छा इतना खुश हो के कहनी थी आपने की निशियारी आ गई ने अल्लाह ने सिखाई नहीं है। वाह अब्दुल्ला सर मैं बड़ा बेईमान हूँ मैं लिड्डो में बेईमानी करता हूँ। अब गांव चला गया पता नहीं कितनी तकलीफ हो रही है उसे। कहता है मैं अबू था कभी गांव चला जाता कभी लाहौर आ जाता। काश मैं अबू हुंदा किलो हो जाता काश मैं कबूतर हुंदा ते उड़ के अबू दी बस दे नाल लग जाता। हाँ कभी कहता काश मैं अबू होता कभी कहता काश मैं कबूतर होता। आना उसने लाहौर ही है दोनों सूरत हाल में कितना तरसा हुआ लाहौर को। मैंने कहा अम्मी यहाँ से भी तो घर जाना ही है ना तो दूसरे रास्ते से चले जाते। वो छोटा था ये लंबा है कहती कोई बात नहीं है खुला लंबा रास्ता। अम्मी खुला रास्ता खड़े होके दरमियान में चले। अम्मी मुझे पकड़ के सच्ची में दरमियान में ले आई है और तो हम बिल्कुल सड़क के दरमियान में चल रहे हैं। चल तो मुझे चलाहा तो ऐसे नहीं है जैसे छाते चारे की सड़क है। अब्दुल्ला कहता ना गाँव के बच्चे इकट्ठे करके जाता सारा गाँव में हम बनवा रहे हैं मस्जिद तो अब्दुल्ला ना रोज गाँव के बच्चे इकट्ठे करके ना तो कहता होता था चाचा सारा जिंदाबाद चाचा सारा जिंदाबाद। सारे गाँव के बच्चे मिलकर ना नारे लगाते थे अबू के नाम। पहले ऐसे करी थी मैं फोन तो फोन क्यों हो गया। पहले ऐसे करी थी मैं फोन तो फोन मुझे लगा इसने गाली ही देनी है इसने कौन सा कोई नई बात करनी है कि मैं उसको मोबाइल बगैर पूछे चोरी उठा के ले रही हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। तो मैं काटी जाती एंड में मैं तप के उठाया तो कहती अमीन का नाम लेके आए और इसने फ़ोन कब किया। जब हम वो पीछे लंबी गली में थे जिधर मैं दरमियान में चल रही थी ने वहाँ पे फ़ोन करना स्टार्ट किया। अब ये इतनी रवाबदा दी कि इसके लिए वहाँ से घूम के दोबारा बड़े चौंक पे जाए वहाँ से नाम लेके इसके लिए वापस आए। बाइक पर नहीं जा सकती किसी को भेज नहीं सकती बाइक पर हम पैदल पहले हमारी लातें रह गई हैं। अम्मी आपका ही घर है अपने घर का मुआयना कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सालों की कहनी है कि तेरे कीड़े तो बदतमीज है 15% बैटरी। मैं क्या वो इस स्टॉप के बरतना पेगा ओ नहीं मैं उठिया 6 बज रहे हैं मैं उठिया 6 बजे कितने 6:30 ते ही गए हम बैल लेके। मैं पूरे 6:30 बजे 6 बजे तक के चले गए ना ते 6 कतियां ते मोबाइल लेके ते ही बाहर निकले हां बतिया देते ते खड़े मैं पूरे बतिया तक चले गए ज्यादा उसको पर चले थोड़े मैं नहीं 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 अभी 7 बज गए 7 बज के 8 मिनट हो गए बोर्ड से पढ़ाए मैं परेशानी में ही गया फिर सीधे सीधा 7 बज के 10 मिनट बेटा सुबह सुबह सोए हुए ना बोल नहीं क्या लगता राशि लगा तो सुबह इस टाइम डर होता है। मैं नहीं फोन करके भी नहीं मैं पहले तुझे हम कर चाहती बन गई फोन दा तो क्या क्यों आई डोंट नो क्यों मैं कह के हलवा पूरी लाई फिर नहीं मिलनी याद रखी मैं तरलिया ते आ गई बेचारी थोड़ा एक दे दे थोड़ा स्टार्ट किया भाई लेना शुरू हो गया क्यों बीच में कैप्चर कर लिया क्यों वो दूसरे भाई को बोलना था किसका घर है और आपको एक एक खिड़की दिखाते हैं ये मेरा घर है कहाँ जा रहे हो
ये देखें जी, आप लोग ने बताना कि बचपन में आप लोग भी ऐसे खेलते थे। ये प्यारा सा घोड़ा और ये साइकिल शॉप है वैसे। अभी सारा गंद उठाओगे। ये जिमल का घर है। जिमल आपका घर ये है, है? बस इतना चाहिए। मैंने इतना साला अच्छा